फिरोजपुर जिले में 3 साल पहले शुरू हुए बॉल ट्रैक में कॉलेज भवन का निर्माण कार्य बजट की कमी के कारण अभी तक पूरा नहीं हो सका। लोक निर्माण विभाग ने 3 साल पहले करीब 8 करोड़ से अधिक की राशि की निविदा बुलाई थी, जिसके बाद पॉल ट्रैक में कॉलेज का भवन आधा तो बन गया लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अब मामले में छात्र संगठन ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। छात्रों ने जिला प्रशासन से केंद्र सरकार से बजट मांगते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि छात्रों को तकनीकी पढ़ाई के लिए 45 किलोमीटर दूर अंबिकापुर जाना पड़ रहा है। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी, जिसका कुछ बजट तो मिल गया लेकिन पूरी राशि नहीं मिल पाई। वहीं दोबारा भुगतान नहीं मिलने के कारण ठेकेदारों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है। सारा काम चालू हो चुका था लेकिन आज तक वो कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकी। अब इसके जिम्मेदार कौन है इनका पता नहीं, लेकिन इसकी शिकायत हमारे संगठन के द्वारा पूर्व में भी कई बार शासन को जिलाधीश महोदय को की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। इनका कहना है कि ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है और इनके द्वारा आमंत्रण भेज दिया गया, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। बार बार हमारे द्वारा इनको चिट्ठी लिखा जाता है और इनका एक ही जवाब मेरे पास आता है कि क्या नाम है, आमंत्रण की कमी के कारण आपको भुगतान नहीं किया। इसमें संबंधित विभाग से बात करी गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि कार्य बीच में बारिश के कारण कुछ अन्य इश्यू के कारण काम रुक गया था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से दोबारा कार्य शुरू हो गया है और शीघ्र जैसे ही उनको आगे कार्य टाइम मिलता है उस हिसाब से उसको समय से पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। इंदौर के एरोड्रोम थाना